ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 8 अगस्त 2019 गुरुवार का दिन है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है एवं विशाखा नामक नक्षत्र रहेगा। तुला राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो दक्षिण दिशा में रहेंगे, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश दक्षिण दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो जीरा खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहुकाल जो कि दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु काल के दौरान सभी प्रकार का शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। यदि दैनिक ग्रह गोचर की हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव कर्क राशि में, चंद्रमा जो कि तुला राशि में, मंगल ग्रह कर्क राशि में, बुध कर्क राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र कर्क राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष वृषभ मिथुन सिंह कन्या और कुंभ, ये 6 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। इनके लिए दिन अति उत्तम साबित होगा। ये जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में एक नई ऊंचाई इनको देखने को मिलेगी। रुका हुआ पैसा इनको मिल सकता है या फिर नई सौगात इनको कामकाज के रूप में प्राप्त होने वाली है। बड़ी जिम्मेदारी इनको मिल सकती है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय एवं उनके लिए शुभ अंक क्या रहेगा ये बताने जा रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। और आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने मात्र से YouTube के माध्यम से यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगा। ये जो दैनिक राशिफल हम आपको बता रहे हैं वह चंद्र राशि के अनुसार होगा, यानी चंद्र राशि जो आपके वर्तमान में बोलते नाम की राशि है उसे चंद्र राशि के नाम से जाना जाता है और इसी से दैनिक राशिफल देखना चाहिए। यदि आपका जन्म नाम और बोलता नाम एक ही है तो वही राशि आपके लिए रहेगी जिससे आपका नाम वर्तमान में प्रचलित है, यानी वर्तमान में जो प्रचलित नाम होता है उसी नाम राशि के अनुसार ही दैनिक राशिफल या दैनिक ग्रह गोचर देखना चाहिए, क्योंकि जो जन्म राशि होती है वह स्थायी कार्यों के लिए उपयोग होती है और जो वर्तमान में प्रचलित राशि होती है वही दैनिक कार्यों के लिए उपयोगी मानी गई है। तो अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। जीवन के लगभग हर पहलू में बदलाव करने की ऊर्जा आपके अंदर रहेगी और उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। परिवार और प्रेमी जनों की समस्याएं सुलझाना आपके लिए ज्यादा कारगर रहेगा। परिवार में कोई अनबन या गलतफहमी की स्थिति चल रही है तो वो भी आपके द्वारा सुलझ जाएगी, उसका माध्यम आप ही बनेंगे। दूसरों की मदद करने के कुछ मौके आपको मिल सकते हैं। छोटी छोटी चीजें आपके लिए खास रहेगी, लिहाजा कुल मिलाकर के आपको थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। समय का आनंद आपको लेना चाहिए। कोई बड़ा फैसला यदि आप करने जा रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करें या टालने की कोशिश भी कर सकते हैं। प्रेमी या जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है, उसे मनाने के लिए आप जतन भी कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, थोड़ा धैर्य रखें। आपके लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित होगा, कुछ मामलों में आप परेशान हो सकते हैं। वादे पूरे न होने से निराशा रहेगी और पुरानी समस्याएं जो अभी तक चल रही है वह सुलझ जाएगी। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है उसे ईमानदारी से अपनी पूरी सोच बता दे। खर्चा ज्यादा होगा, कुछ दोस्त आपका मजाक उड़ा सकते हैं। पढ़ाई में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, यानी यदि आप विद्यार्थी हैं तो वहां पर आपको जो भी आवश्यक वस्तुएं, किताबें या जो भी आवश्यक पैसे की आवश्यकता है वह तत्काल पूर्ति हो जाएगी। और विषय या फील्ड बदलने का विचार आपको छोड़ देना चाहिए, एक ही विषय पर स्थिरतापूर्वक ध्यान लगाना चाहिए, उसी में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी।
परिवार का कोई सदस्य जो है बीमार होने का योग बन रहा है, और उपाय के रूप में यदि आप घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाएंगे तो आपके लिए अति शुभ साबित होगा और आपके लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 7। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आपको धन लाभ होगा, सफलता वाला दिन आपके लिए है। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले लोग अपने टारगेट पर ध्यान दें, मेहनत का परिणाम अवश्य ही आपके पक्ष में होगा। कुछ नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। आज आप बहुत ज्यादा बात करने के मूड में रहेंगे, अपने लॉजिक और ज्ञान से सभी को प्रभावित कर सकते हैं। अपने टारगेट को ध्यान में रखें, आपको अचानक कहीं से धन लाभ होगा। नौकरी और बिजनेस में उन्नति का योग है। दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करने से आपका जीवन सहज हो जाएगा। बिजनेस या नौकरी में भी बदलाव का मन बनेगा। एक बार एक ही काम करें, घर परिवार का कोई मेहनत भरा काम निपटाने पर ध्यान दें। कठिन और थोड़े परेशान वाले सौदे आपके सामने आ सकते हैं या कोई ऐसी स्थिति आपके सामने निर्मित हो सकती है, उसका सामना आपको अच्छी प्रकार से धैर्यपूर्वक करना चाहिए। कुछ खास कामकाज में लापरवाही के कारण आपके दूसरे काम भी बिगड़ सकते हैं। भावनाओं की गहराई का एहसास आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में नई खुशियां आ सकती है। कहीं पर घूमने फिरने भी आप जा सकते हैं। बिजनेस के सिलसिले में यात्रा हो सकती है और आपका व्यापार व्यवसाय बढ़ सकता है। बदलाव का मन आपका बना रहेगा। इंटरव्यू की तैयारी करना बेहतर होगा। संबंधित सवालों के सिर्फ सटीक और छोटे जवाब आप तैयार करें और विद्या अध्ययन के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और नई नई चीजों को सीखने में आपका मन बना रहेगा। साथ ही सामान्य ज्ञान पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए और जो कमजोर विषय है उसका जो है आज आपको ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए, अन्यथा आपको कहीं पर कोई गलती या किसी खामियाजा का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप घर से निकलते समय एक लौंग और इलायची खाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपके लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 4। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। दिन और पूरी व्यवस्था आपके पक्ष में रहेगी। साथ ही पैसों की कमी का दबाव यदि अभी तक चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा, यानी पैसों से संबंधित कोई भी कमजोरी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। किसी बात पर ज्यादा जोर देने से बचे, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। पैसे कमाने के नए अवसर आपको मिल सकते हैं। ऐसे मामलों में धैर्य से विचार करें, जानकारी जुटाएं और फिर फैसला करें। किसी गलती से आप जो है बचने का प्रयास करें, यानी कोई भी गलत काम आपके माध्यम से न हो ऐसा आप संभल करके आपको चलना चाहिए। और प्रेमी से आपके संबंध मधुर होंगे। घूमने फिरने या मनोरंजन के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे और सावधानी पूर्वक सभी निर्णयों को आपको लेना चाहिए। फालतू चीजों पर खर्चा करने में आज आप अति कर सकते हैं, इससे आपका नुकसान भी हो सकता है। आपके खर्चों में वृद्धि होने का योग है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी। ऑफिस में आपके कामकाज की कोई गलती रह सकती है। कामकाज या घर में आप जो भी बदलाव करना चाहते हैं वो कर पाएंगे और परिवर्तनकारी स्थिति आपके साथ बन सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा और खुद कुछ न कहे तो ही बेहतर रहेगा। सुनने पर ज्यादा विश्वास करें, कुछ कहने पर संबंधों में तनाव हो सकता है। बेहतर होगा कि भावनाओं को समझने का पूरा प्रयास करें। पुराने मामलों के लिए दिन अच्छा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय पहले से थोड़ा ठीक रहेगा। बिजनेस यदि करते हैं तो चतुराई से आपको फायदा होगा। पढ़ाई में मेहनत करेंगे, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में गेहूं या फिर आटे का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपके लिए जो शुभ अंक रहेगा वो होगा 9। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आमदनी बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे, समस्या का नया समाधान निकालने के बारे में आप विचार करेंगे, उसमें सफल भी हो जाएंगे। दोस्तों के साथ आपका समय व्यतीत होगा, पड़ोसियों से अच्छी बातचीत होगी, नए लोगों से दोस्ती होगी और यात्रा का योग बन रहा है। आपके कुछ निजी मामले सुलझेंगे। करियर में सकारात्मक प्रगति आपको प्राप्त हो सकती है। नई ऊर्जा आपके अंदर रहेगी, उसके माध्यम से आप काम करने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित या तत्पर रहेंगे। खर्चों पर नियंत्रण आपको रखना चाहिए। कोई चीज खरीदने के पहले उस पर बारीकी से विचार कर लेना या जांच कर लेना आपके लिए ठीक रहेगा।
आपको किसी बात का अफसोस या कोई शिकायत भी हो सकती है। किसी को यदि आप मित्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई सरप्राइज भी आपको मिल सकता है। बिजनेस में धन लाभ होगा। नौकरी में नई प्रगति आपको देखने को मिलेगी। नए लोगों से सपोर्ट मिलेगा। परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान कृष्ण जी के मंदिर में माखन या फिर मिश्री चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। और आपके लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 1। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। पैसे और परिवार से जुड़े काम आपके पूरे हो जाएंगे। सही समय पर सही जगह पर आप सही फैसला करने में सफल भी हो जाएंगे। किसी बड़े और खास काम के फैसले आप कर सकते हैं। कुछ बहुत अच्छे विचार आपके दिमाग में आएंगे। आज आप बड़ी योजना बना सकते हैं, उस पर अभी से काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी चीजें आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको जो काम मिलेगा उनसे आप खुश हो जाएंगे। पैसों के लिहाज से स्थिति काफी अच्छी रहेगी। किस्मत का साथ मिलेगा और भविष्य के लिए कुछ योजना भी आप बनाएंगे। और अधिकारी कर्मचारी या उच्च स्तरीय लोगों से आपको सपोर्ट भी प्राप्त होगा। सभी का सहयोग आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगा। और अपने विचारों पर या अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल आपको करना चाहिए। आप कोई बड़ी बात भूल सकते हैं। पुराने लेन देन को लेकर किसी से विवाद या तनाव जैसी स्थिति बन सकती है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। लोगों से मिलने के लिए पहल आपको करनी पड़ेगी। कार्यक्षेत्र बिजनेस में अच्छा फायदा होगा। आपको कोई कठिन काम दिया जा सकता है। लगातार मेहनत करेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। भोजन में आपको ध्यान रखना चाहिए कि मसालेदार और भारी चीजों का सेवन करना आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। आपके पेट संबंधी कोई रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए सावधान आपको रहना चाहिए। किसी भी मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। और आपका जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 3। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। दिन आपके लिए ठीक रहेगा। पुरानी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति भावनात्मक तौर पर आपका समर्थन भी कर सकता है। नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने वाले कुछ अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। और कुछ परिवर्तनकारी स्थिति आपके साथ निर्मित हो सकती है। आज होने वाली खास बातचीत आपके भविष्य के तरफ साफ संकेत देने वाली है। करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। कुछ दोस्त आपके लिए खास रहेंगे। किसी से संबंध आपके न बिगड़े, ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑफिस में आप सफल हो जाएंगे। पैसों के साथ साथ ज्यादातर मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इनकम आपकी बढ़ने वाली है। तनाव भी आपका कम हो जाएगा। मन में किसी फैसले को लेकर के आप संकोच कर सकते हैं और संकोच के कारण कुछ अच्छे काम या अच्छे अवसर को आप गमा भी सकते हैं। सावधान रहे। पैसों की टेंशन समाप्त हो जाएगी। पैसों के मामले सुलझाने में थोड़े आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन सफलता अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी दोस्त को या परिवारजनों को आपको उधार पैसा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आपका दिल और दिमाग अलग अलग दिशा में रहेगा। और प्रेम के क्षेत्र में कुछ अच्छा होने वाला है। जीवन साथी आपकी बात को मान जाएगा। खर्च ज्यादा होने से आप परेशानी में फंस सकते हैं। जोखिम भरे निवेश न करें तो ही अच्छा है। कम मेहनत से अच्छे नतीजे आपको प्राप्त होंगे। और उपाय के रूप में भोजन के साथ हरे धनिये का उपयोग करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। और आपके लिए जो शुभ अंक रहेगा वो होगा 7। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। कार्यक्षेत्र से जुड़े लोगों से आपकी मुलाकात होगी। आपको फायदा होगा। नौकरी बिजनेस और समाज में आपकी हैसियत और प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, यानी आपका पद बढ़ने वाला है। नया पद, ऊंचा पद आपको मिल सकता है। नए और रोचक अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके सामने आ सकती है। आपको जहां जैसी जरूरत होगी मदद मिल ही जाएगी। धन लाभ के अचानक योग बन सकते हैं। रुके हुए काम आपके अचानक पूरे होने लगेंगे। आपकी भावनाओं में आकर कोई भी जो है व्यक्ति आपसे भावुक होकर के जुड़ेगा। आपको भावुक होकर कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। अपनी स्थिति को लेकर आप कोई गलत फैसला भी कर सकते हैं। आपको किसी न किसी तरह की बेचैनी बनी रहेगी। कोई नई चुनौती भी आपको मिल सकती है। दूसरों के झगड़े में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है, इससे आपका नुकसान हो सकता है। सावधान रहे। और
प्रेम के मामलों में आप थोड़ी सी सुस्ती और मायूसी महसूस करेंगे। परिवार और जीवन साथी के साथ समय बिताने पर आप खुश हो जाएंगे। लेन देन में सावधानी रखें। बोलने चालने में आपको मधुरता का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी से कुछ काम आपके बन सकते हैं। संयम रखें और भागदौड़ अधिक रहेगी, व्यस्तता अधिक रहेगी। कार्य का दबाव होने से थकावट और परेशान अपने आप को आप महसूस करेंगे। और उपाय के रूप में यदि कच्चा दूध शंकर भगवान के मंदिर में आप दान करते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। और आपके लिए जो शुभ अंक रहेगा वो होगा 2। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज आप इच्छा अनुसार काम करने के मूड में रहेंगे। रोजमर्रा से हटकर कोई भी काम करने का मन आप बना सकते हैं। मन की बात कहने के लिए उत्सुक रहेंगे। नौकरी या किए गए किसी निवेश के बारे में कोई गंभीर फैसला आप कर सकते हैं। कैरियर की परेशानियां कम हो जाएगी। नौकरी की स्थिति बेहतर बनाने के बारे में दोस्तों से विचार विमर्श आप कर सकते हैं। इससे आपको ही फायदा होगा। खुद की प्रेरणा से आप आगे बढ़ते जाएंगे। और सावधान रहें, गुस्सा और लापरवाही से आपको नुकसान होने की संभावना है। आपसे कोई गलती भी हो सकती है। ऑफिस और बिजनेस में मेहनत आपको अधिक करना पड़ेगी। कोई बुरा सपना या अपशकुन के संकेत भी आज आपको मिल सकते हैं। इससे थोड़े सावधान ही रहें। कागजी कामकाज में कोई गलती हो सकती है। आपका आत्मविश्वास थोड़ा कम होगा। कुछ परेशानी के कारण मानसिक तौर पर ज्यादा थकावट आपको महसूस होगी। जो काम आपको संभव नजर आ रहा था वह भी रुक सकता है, अटक सकता है। पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। प्रेम के क्षेत्र में कुछ बदलाव होने के संकेत आपको मिलेंगे। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। पार्टनर आपकी भावनाओं से प्रभावित होकर के आपकी मदद भी करेंगे। और प्रोफेशनल जो लाइफ है वो थोड़ी सामान्य रहेगी। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। सफलता देने वाली कोई खबर भी आपको मिल सकती है। यदि विद्यार्थी है तो वहां पर अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। और विद्या अध्ययन में आपको कोई नए और रोचक अवसर मिल सकते हैं। या फिर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको अच्छी सफलता मिलने का उत्तम दिन रहेगा। छोटे बच्चों की सेहत को लेकर के थोड़े आप परेशान हो सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि मसूर की दाल का दान किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को आप करते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। और आपके लिए जो शुभ अंक रहेगा वो होगा 5। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। दिन भर के काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। कुछ लोग आपसे मिलेंगे और आपकी मदद भी करेंगे। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण नई स्थितियां बन सकती है। उनसे आपको ही फायदा होगा। आपको अपना मन खुला रखना होगा। वास्तव में थोड़ा विचार और सौदेबाजी से आप और ज्यादा कुछ हासिल कर भी सकते हैं। आपको कोई खुशखबरी अचानक मिल सकती है। रोजमर्रा के काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। सावधान रहे, हाथों हाथ किसी भी ऑफर को लेने के लिए आप तैयार न रहें। यानी उस पर आपको अच्छी प्रकार से देख परख करके विचार करना चाहिए, तभी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो सकारात्मक होता नजर आए उसे आप फिलहाल किसी और को न बताएं। यानी गुप्त रूप से अपने कामों को होने के लिए आप तैयार रखें। आप अति उत्साही भी होंगे, इससे आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। आज आप किसी काम को लेकर के बहुत उतावले हो सकते हैं, लेकिन सावधान रहे, कोई आपके उतावलेपन का दुरुपयोग भी कर सकता है। कोई व्यक्ति आपसे प्रभावित हो जाएगा। नजदीकी लोगों से संपर्क करने में आपको फायदा होगा, आसानी होगी। और प्रेम के क्षेत्र में दिन अच्छा है, उसका फायदा उठाए। धन लाभ की पूरी पूरी संभावनाएं आपके बन रही है। बिजनेस में आपको अच्छा फायदा होगा। अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेंगे। बिजनेस में जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए। पढ़ाई में विद्यार्थियों का मन लगेगा। किसी नए शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने की इच्छा मन में बहुत अधिक रहेगी। या कोई उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने का विचार आपके मन में बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में बेसन से बनी मिठाई चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। और आपके लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 8। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। जॉब से जुड़े मामलों के लिए दिन अच्छा है।
आप दोस्तों के साथ काम करने वाले जो है कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, उसमें लोगों की मदद भी आपको प्राप्त होगी। यानी पार्टनरशिप के कोई काम करने के लिए आप तैयार रहेंगे। आप अपने हर कामकाज में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी बनाकर रखें। आप जो भी करेंगे उस पर उंगली उठाने का मौका किसी को नहीं मिलेगा। ऑफिस में कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है। परिवार के काम निपटाने के लिए समय आपको निकालना चाहिए। वहीं आसपास के लोग आपकी मदद करेंगे। शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त हो जाएगी, यानी शत्रु आपसे परास्त हो जाएंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको थोड़ी बहुत परेशानियां अवश्य ही आएगी, लेकिन चिंता ना करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऑफिस में विरोध की संभावना आपके साथ बन रही है। कामकाज को लेकर के आपकी आलोचना हो सकती है। काम का बोझ अधिक रहेगा। किसी खास काम को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। साथी की तारीफ करें, दोस्तों से अच्छा व्यवहार करें। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है। वाणी पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। बिजनेस में थोड़ी बहुत धन की समस्या आपके साथ उत्पन्न हो सकती है। जोखिम भरे निवेश न करें। बड़े फैसले करने का मूड आपका नहीं रहेगा। संगीत और कला की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। कानूनी पढ़ाई यदि आप कर रहे हैं तो वहां पर आपको अच्छी सफलता मिल सकती है और नए शिक्षकों के माध्यम से कुछ नई चीजें सीखने को भी आपको मिलेगी और नई पुस्तकें आपको प्राप्त हो जाएगी। उनके माध्यम से आप एक नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक एवं तैयार रहेंगे। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या खाने पीने की कोई वस्तु दान करेंगे तो आपका दिन अति शुभ फलदायी सिद्ध होगा। और आपका जो शुभ अंक रहेगा वो होगा 4। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे, उससे आपकी उम्मीदें भी अधिक रहेगी। बारीकी से कामकाज निपटाने की कोशिश करें। आज आप मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव और सक्रिय रहेंगे। कुछ नए मौके आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों और प्रेमीजन आपके लिए मददगार रहेंगे। आपकी हर संभव सहायता करने के लिए सभी लगभग तैयार रहेंगे। कहीं घूमने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। खान पान पर कंट्रोल करें। पुरानी परेशानियां की समाप्त हो जाएगी। परिवार के साथ अच्छे से समय व्यतीत होगा। आपकी प्लानिंग पूरी हो जाएगी। कारोबार बढ़ाने के लिए दिन अच्छा है। इनकम आपकी बढ़ने वाली है और हर कोशिशें आपकी सफल होगी। कोई काम रुक भी सकता है। कुछ मामलों में खुद की ही आदतों से आप परेशान भी हो सकते हैं। कुछ पुरानी बातें आपको टेंशन देगी। किसी बात को लेकर के मन में थोड़ा डर भय या संशय बना रहेगा। वैचारिक उथल पुथल बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में तनाव होगा। 2 दिन के बाद सब कुछ ठीक होने वाला है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होगी। प्रेमी के साथ आने वाले दिनों में कोई प्रोग्राम आप बना सकते हैं। जूनियर कर्मचारी से कहा सुनी हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करें, विवाद न करें। काम की चीजों पर ध्यान देंगे तो दिन आपके लिए कारगर साबित होगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं या विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो वहां पर आपके लिए सफलता भरा दिन रहेगा। और किसी नए स्थान पर विद्या अध्ययन करने के लिए आपको जाना पड़ सकता है या दूर स्थान या दूर देश से भी आपको विद्या अध्ययन संबंधित कोई समाचार प्राप्त हो सकता है। और उपाय के रूप में घर के मंदिर में मिश्री का भोग लगा करके परिवार में प्रसाद बांटना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। और आपके लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 2। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आपको आने वाले दिनों के अच्छे संकेत आज आपको मिलने वाले हैं। प्रेम और रोमांस के मामलों में बहुत अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। कोई भी काम निपटाने से पहले अच्छी प्रकार सोच विचार अवश्य करें। आप बहुत संवेदनशील रहेंगे और दूसरों की समस्याओं को गंभीरता से सुनेंगे। शादी विवाह का ऑफर आपको मिल सकता है। माता या माता के नाम के उपयोग से भी आपके काम पूरे हो जाएंगे। नौकरी और बिजनेस बढ़ाने के प्लानिंग जो है जो करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। कुछ मामलों में किस्मत का साथ आपको बहुत अधिक मिलेगा। अपने से जुड़े लोगों की मदद भी आप करेंगे। आपके साथ कुछ लोग लगातार जो है सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। प्रेमी के साथ वैचारिक मतभेद या अनबन हो सकती है। कामकाज में थोड़ा मन कम लगेगा। रोज एक ही जैसे काम कर रहे हैं तो उससे बोरियत आपको महसूस होगी। नया काम शुरू करने के लिए दिन थोड़ा ठीक नहीं है। निवेश के लिए भी समय ठीक नहीं है। अचानक
कामों में बदलाव आपको करना पड़ सकता है। दूसरों की परेशानियां या दूसरों के झंझे झगड़त में आपको फंसना बिल्कुल नहीं चाहिए, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं। पार्टनर आपकी लगभग हर बात को मानेगा। शादीशुदा लोगों को जीवन साथी से मदद भी मिलेगी। नौकरी पैसा या बिजनेस करने वाले लोगों को किसी अन्य व्यक्ति के प्रति जो है अट्रैक्शन या प्रभाव बनेगा। आज मेहनत ज्यादा रहेगी। बड़े निवेश के लिए समय ठीक नहीं है और विद्यार्थी वर्ग को थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए। कोई भी शॉर्टकट उनको बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। जो भी पढ़ाई करना है, जो भी परीक्षा देना है, उसमें ईमानदारी और मेहनत करके ही आप सफल हो पाएंगे। यानी आपको बहुत ज्यादा कठिन मेहनत की आवश्यकता होगी, तभी आपको एक अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप घर से निकलते समय कोई भी पीले रंग का फल खा करके निकलते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 1। तो मित्रों, हमने आपको 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल एवं उनको करने वाले उपाय, साथ ही 12 राशि वालों के सभी के शुभ अंक, कौन से अंक उनके जीवन में लाभदायी हो सकते हैं वो बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।